2023 जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग देखेंगे, तो क्लास 9th इंग्लिश, ठीक है। और इसमें जो है सेक्शन बी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, पढ़ना है। और सेक्शन बी जो है इसमें आपको राइटिंग में अब ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ग्रामर में आपको क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सा टॉपिक है आपको पढ़ना, तो आपको टेंस पढ़ना है, टेंस से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको वॉइस पढ़ना है, वॉइस से भी क्वेश्चन लगभग आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव। थर्ड है आपको पढ़ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा। और एक और है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है टेंथ की अभी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि टेंथ का अलग से इस पर भी आज चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट जो होता है ना, ये होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, एक्चुअल में है ये क्या, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट जो है, ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन जो लिखा था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन था, ठीक है, उस पर फिलहाल बाद में फिर से उस पर आएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब आपको पता चल रहा है, एग्रीमेंट मतलब सामंजस्य है, ठीक है, तालमेल। तो तालमेल अब किसके किसके बीच में होगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही तालमेल होगा, एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तभी तो इसका नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पड़ा। तो इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम क्यों पड़ा इसको भी हम लोग जानेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है और वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई मीन डूअर, ठीक है, सब्जेक्ट आई मीन डूअर। और ये सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। अब कैसे नॉन लिविंग होगा, तो जैसे यहाँ पर हो गया कि कुर्सी, कुर्सी टूट गई, ठीक है, कुर्सी टूट गई, और यहाँ पर लिखते हैं कि राम पत्र लिखता है, ठीक है, राम पत्र लिखता है। इसमें राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, डूअर है। अब ये जो इसमें कुर्सी जो है ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें फर्क, इसमें डिफरेंस क्या है, ये राम जो है वो लिविंग है, ठीक है, राम पत्र लिखता है, और ये कुर्सी जो है वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। कैसे नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी तो अपने आप टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट जो होता है ना, ये इसमें भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको फिलहाल बाद में जब सब्जेक्ट को मैं दूसरा वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चूँकि इसको मैं इसको बताने लगूँ तो इसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको अभी स्टॉप करके रखते हैं। सिर्फ अभी आप सब्जेक्ट जानिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट डूअर है। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट राम हो गया, इसमें सब्जेक्ट कुर्सी हो गई, ठीक है, कुर्सी हो गई। अब वर्ब, ठीक है, अब वर्ब, अब क्वेश्चन ये भी है कि जो सब्जेक्ट है ये या तो सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होगा, तो राम क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि राम और श्याम, राम और श्याम खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, राम एंड श्याम। तो सिंगुलर भी सब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये जो है नंबर और पर्सन पर ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट, जब ये एग्रीमेंट होगा तब। अब ये जो वर्ब है, अब वर्ब क्या है, तो वर्ब तो जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो और उसे काम करने या होने का बोध हो तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे तो किसी काम करने या होने का बोध हो जिस वर्ड से,
जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं खेलना, ठीक है। अब इसमें खेलना जो है ये खेल प्लस ना, यानी खेल प्लस ना से मिल करके बना है खेलना, ठीक है। तो ये क्या है धातु और इसमें ना लग गया तो क्या बन गया, भर बन गया, चूँकि जिस धातु के ना लगे और उससे करने या होने का बोध हो अब खेलने, तो खेलने का काम होता है, ठीक है। तो खेलने का काम होता है तो ये भर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है कटरीना, ठीक है। क्या है कटरीना, अब इसके अंत में भी ना है तो क्या ये भी भर्ब है, नहीं ये भर्ब नहीं है, चूँकि ये जो है ये नेम है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाम दिया गया है रखा गया है, इसलिए भर्ब नहीं है। अब भर्ब जो है भर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, ठीक है। भर्ब भी क्या हो सकता है सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो ये जो भर्ब है इसको मेनली दो भाग में बांटा गया है, एक तो है मेन भर्ब, ठीक है, और सेकेंड है एग्जिलरी भर्ब, ठीक है। एग्जिलरी भर्ब मेन भर्ब में आपका जितना भी ना लगा वाला वर्ड रहेगा और जिसे काम करने होने का बोध होगा वो सभी के सभी जो होंगे वो मेन भर्ब होंगे, ठीक है, मेन भर्ब होंगे। एग्जिलरी भर्ब में आपका इज आएगा, एम आएगा, है ना। तो इज और एम के सब भर्ब हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सिंगुलर भर्ब है, ठीक है। और इसमें जो है आर जो है, आर आपका प्लूरल भर्ब हो गया, ठीक है। और इसमें वाज जो है, वाज ये सिंगुलर भर्ब है, और इसमें वर जो है वो प्लूरल भर्ब है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही फोकस करता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, भर्ब कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। पहचानना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से और गौर से सुनिए और देखिए, ठीक है। तो वर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। अब इसमें हैज, हैज आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और इसमें आपका हैव जो है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो इतना अब जानने के बाद जो है, और इसमें एक चीज़ और बता, एक और चीज़ ध्यान में इसको